एक सिस्टर थी, उसका उसका एक्सीडेंट हुआ और वो व्हीलचेयर पे चली गई। प्रभु को मानती थी वो। व्हीलचेयर पे उसने गाना शुरू किया, व्हीलचेयर पे उसने सिंगिंग करनी शुरू की, व्हीलचेयर पे ही मशहूर हुई। गॉस्पल सिंगर, व्हीलचेयर वाली मशहूर हुई। उसने शर्म नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि तू तो खुदा तुम्हारा हील करता, तुम तो व्हीलचेयर पे हो। व्हीलचेयर पे ही शादी हुई। व्हीलचेयर पे जो शादी की वो एक पास्टर ने उसके साथ की। व्हीलचेयर पे ही वो लड़की अधेड़ उम्र तक पहुंच गई और थाउजेंड्स मीटिंग्स में जाके प्रार्थना करवाई, हील नहीं हुई। एक दिन एक यंग प्रचारक की मीटिंग में वो गई और उसने कहा कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि वो नसें पूरी तो नहीं, लेकिन वो हल्का हल्का करंट इसमें शुरू हुआ है चलना। उसने कहा हाँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मैंने अपनी टांगे नहीं महसूस की पिछले दशकों से। और प्रार्थना हुई, उस लेडी की डॉक्यूमेंट्री, उसकी पुरानी वीडियोस, उसकी सारी हिस्ट्री इंटरनेट पे मौजूद है। उसकी पुरानी वीडियोस व्हीलचेयर पे इंटरनेट पे मौजूद है और उसकी हीलिंग की वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। और जब वो हील हुई और लोग हैरान हुए, और जब वो अपने शहर वापस गई उस मीटिंग से, उसने बताया कि उस पे इतनी बार प्रार्थना हुई थी कि उसको हीलिंग पे कोई फेथ नहीं था। उसको ये फेथ था कि परमेश्वर हील करता है, लेकिन मेरी हीलिंग होगी उसको ये फेथ नहीं था। कहती मैंने प्रार्थनाएं करवाने बंद करवा दी थी हीलिंग, बस मैं मीटिंग्स में जाती थी, गाती थी, मुझे प्रभु से प्यार था, मैं प्रभु पे विश्वास करती थी वो कुछ भी कर सकता है। और आप इमेजिन करो, जब वो अपने घर में गई, अपने घर में वापस गई, उस शहर के मेयर ने उसका स्वागत किया। उस शहर का मेयर वहां पे खड़ा था, उसके बुजुर्ग माता पिता रो रहे थे जब वो अपनी गाड़ी से ऐसे चल के टक टक बाहर आई। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा।